गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आ जाओ सभी। आपकी एक और क्लास शुरू हो चुकी है, बहुत ही उम्मीदों भरी क्लास है। बस वही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ हम आपकी अगली क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे दो चर राशि में रैखिक समीकरण, तो साथियों उसी क्रम में हम आगे चलेंगे, ध्यान से देखना। देखिए, एक्सरसाइज 3.4 का ये पहला क्वेश्चन होगा। आप सभी एनसीईआरटी बुक अगर लिए हो कक्षा 10 की तो मिला लो, उसमें क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन में है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कि कौन सी विधि उपयुक्त है। क्वेश्चन मिला लो, फिर से बात को सुनो और देखो, दोनों करो। मतलब प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना है और दोनों में से कौन सी विधि अच्छी है। अभी कल वाली क्लास में भी हमने आपको बताया था 3.3 में भी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि ना, तो चलिए एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे विलोपन विधि, क्योंकि प्रतिस्थापन तो आप कल देख लियो साथियों। विलोपन विधि में क्या होता है आपको पता है? जैसे नाम से स्पष्ट है, विलोप करना, लोप करना, किसी एक को लोप कर दो। लोप करना मतलब गायब करना। दोनों इक्वेशन को नीचे ऊपर लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल फाइव और ये 2x माइनस का 3y इक्वल 4। ध्यान देना, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। इन दोनों में क्या करना है हमें? कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा कर कमाल के आगे, समझ गए ना, कि इसमें से एक गायब हो जाए। मतलब चाहे तो x को दोनों को गुणांक बराबर कर लो, चाहे y वाला गुणांक बराबर कर लो। तो देखो, यहाँ पर x का गुणांक दो है, यहाँ पर x का गुणांक एक है। अगर हम समीकरण एक में दो से गुणा कर दें, समीकरण एक में दो से गुणा कर दें तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। लिखो यहाँ पर, समीकरण एक में दो से गुणा करने पर, क्यों करेंगे अभी बता रहा हूँ, ध्यान देना। समीकरण एक में जब दो से गुणा करोगे तो साथियों ये 2x हो जाएगा प्लस ये 2y, क्यों? क्योंकि दो से इसमें भी होगा, दो से इसमें भी होगा, दो से इसमें होगा, तो दो पंचे दस। और फिर ये समीकरण दो ऐसे लिख लो, 2x माइनस का 3y और फिर इक्वल 4, ठीक ना। देखो इधर, 2x माइनस का 3y इक्वल कितना हो गया? 4। ये दोनों हो गए इक्वेशन। अब हमारा काम बन गया, आपका भी बन गया, आसानी से अब आप इनको कर सकते हो। करना क्या है? बस वही चिन्ह बदल के काट दो, इसीलिए तो गुणा किया गया ना। गुणांक जानते हो कि नहीं? इधर देख लो, जैसे 7x का पावर 5 लिखा है, 9y लिखा है, यहाँ पर y का गुणांक 9 है, x की पावर 5 का गुणांक 7 है, इसको गुणांक बोलते हैं। उसी तरह इसमें देखो, x का गुणांक कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, y का गुणांक कुछ नहीं तो एक मानते हैं, लेकिन इसमें दो था ना, तो हमें दोनों को बराबर करना है किसी भी तरह से। चाहे इसका गुणांक बराबर हो जाए, चाहे इसका हो जाए, तो इसमें देखो हमने x का गुणांक बराबर कर लिया, ये देखो गुणा करके हो गया ना बराबर। तो जब ऐसा हो जाए तो बस चिन्ह बदल लेते हैं, घटाते समय इसको घटा लेंगे दोनों समीकरण को, ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 5y, ये भी चिन्ह बदल जाएगा। देखो घटाते हैं तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं, जहाँ प्लस माइनस था प्लस, जहाँ प्लस था माइनस, जहाँ प्लस था माइनस, ये भी घट जाएगा 6। यानी कि अब आप यहाँ कह सकते हो कि y का मान 6/5 आया है। कितना आया है? y का मान 6/5, नोट कर लो, 6/5 लिख लो जल्दी से। अब क्या करेंगे साथियों, ध्यान देना ज़रा, थोड़ा सा इधर साइड में देखना। अब ये y का जो मान आया ना, इसको रख देंगे अगले समीकरण में और फिर वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। चलो रख लेते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, कहीं भी रख लो, किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो y का मान समीकरण एक में रखने पर। तो y का मान समीकरण एक में रखोगे कैसे, ध्यान देना। समीकरण एक है, x प्लस वाई इक्वल कितना है? 5। तो रख लो y का मान 6/5 है, तो x प्लस 6/5 इक्वल 5, तो x बराबर निकालोगे जब, तो ये 5 माइनस 6/5, क्यों?
क्योंकि 5 पहले से था, ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया। इस तरह से यक्स इक्वल इसके नीचे एक लिख लो, क्रॉस मल्टीपल करोगे 25 माइनस 6 बटा 5, यक्स का मान आएगा 19 बटा 5। देखो यक्स और वाई दोनों मान हो गए, नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो ये यक्स और वाई दोनों के मान आ गए हैं मित्रों। इस तरह से आपने देखा कि ये विलोपन विधि से हो गया। अब हम इसी समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बता देंगे, पूरा देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही गौर से देखना, मज़ेदार सेशन है ये, ठीक ना? तो चलो ठीक है, देख लेते हैं अब इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान देना, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है उसमें इसमें साथियों। उसमें हमें गुणांक को बराबर करके काट देना था, इसमें हमें ऐसा नहीं करना है। दो इक्वेशन दिए गए हैं, हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से लेके हल करेंगे, ध्यान देना। पहला वाला जो इक्वेशन है इसे हम लिख सकते हैं यक्स इक्वल, ध्यान देना, इसमें किसी एक चर पद का मान निकाल लेते हैं उसी पूरे समीकरण की सहायता से। जैसे यक्स को हम एक तरफ कर देंगे, बाकी इसको मैं 5 माइनस वाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, कोई मुसीबत नहीं है ना। तो साथियों इसे आप बना सकते हो समीकरण 3, ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसको आप दूसरी जगह लिख के अच्छे से बना लेना, मतलब समझना, समीकरण 1 है, समीकरण 2, और समीकरण 1 से हो गया समीकरण 3। आप क्या करते हैं, जो यक्स का देखो एक मान आ गया ना, ठीक ना, ये विलोपन भी प्रतिस्थापन विधि है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब लिखो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने 1 से निकाला है, तो समीकरण 2 लिख लो, 2x-3y = 4 है, यही है ना। तो चलो रख लेते हैं साथियों, 5 माइनस वाई है ना, तो ये हो जाएगा 2x-5y - 3y = 4। हल कर लो, ये 10 हो जाएगा -2y - 3y = 4। ध्यान देना और आगे बढ़ते चलना ऐसे, ठीक ना, 10 - 2y और ये -3y = 4। अब देखो साथियों ये दोनों माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 3 तो जुड़ेगा तो 5 ही तो होगा, 6 कहाँ से होगा, कितना हो जाएगा 5y, यानी कि माइनस का 5y इक्वल कितना हो जाएगा, देखो ये 4 है और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यार सिंपल सी बात है, ये 4 - 10 है ना, ये 10 उधर गया माइनस हो गया, तो ये 3 2 5, यानी कि y का अगर वैल्यू निकालोगे तो ये -6/5। देखो y का मान फाइनल में आ गया, कंप्लीट हो गया ना। अब साथियों ये जो y का मान है आप इसे किसी समीकरण में रख सकते हो, देखो ये बह जा रहा है थोड़ा सा, ज़्यादा स्याही हो गया है, तो ये माइनस में है, समझना बस, ठीक ना। तो चलिए रख देते हैं y का मान, ये माइनस है याद रखना, भूलना मत, y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, चाहे 1 में रख लेंगे, 1 में आसान रहेगा, किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर नहीं दिखेगा तो बताना, अभी कैमरा घुमा देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख लो ऊपर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x - y = 5 है। y का मान रख लो, माइनस का 6/5 आएगा, देखो ये घटेगा तो माइनस का 6 आएगा, ये माइनस का 5 है ना यार, इधर जाएगा तो ये भी माइनस होगा, मतलब ये कुल मिला के प्लस है, तो प्लस ये 6/5 = 5। तो साथियों ये हो जाएगा x = 5 - 6/5, तो x = 25 - 6। भाई वैसे तो होगा जैसे अभी तक किए थे, नीचे 5, तो ये हो जाएगा 19/5। देखो चाहे जो विधि लगाओगे उत्तर वही आएगा, और आ गया कि नहीं आ गया, ये y का मान आ गया 6/5 और x का मान आ गया 19/5, तो ये दोनों हो गया प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि।
अगर आप पहली बार जुड़े हैं पीवीआर स्टडी प्रयागराज में तो अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और आपको बता दें साथियों एक कंप्लीट बात, अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं 10th का एनसीईआरटी तो आपके लिए बहुत ही आसान एक तरीका है, पीवीआर स्टडी 3.0 सर्च करना यूट्यूब पर। केवल पीवीआर स्टडी 3.0 सर्च करोगे, ये पीवीआर स्टडी प्रयागराज का चैनल नंबर 3 है या पूरा नाम है चैनल का ये, लेकिन इतना लिखोगे तो आ जाएगा। उसके बाद आपको 10th और 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ इस पर फ्री में मिलेगा। यूट्यूब में अगर आपको कोई समस्या होती क्लास खोजने में तो आप पीवीआर स्टडी ऐप्स इंस्टॉल करें और पीवीआर स्टडी ऐप्स में आपको एक सिस्टम से पूरी कंप्लीट मैथ मिल जाएगी। किसी प्रकार की टेक्निकल हेल्प के लिए व्हाट्सएप करें या कॉल करें, ठीक ना। जय हिंद। चलते चलते एक निवेदन होगा, विनम्र प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि इस क्लास को अपने कम से कम 2-4 फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। शेयर जरूर करना साथियों, जिससे किसी और का भला हो सके। और हाँ, अगर इस क्लास को आपने देख लिया तो आज के बाद प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीख जाएंगे, 100% गारंटी है। तो शेयर जरूर करना। रात्रि के 2 बजने ये क्लास रिकॉर्ड होने का टाइम जो हो रहा है, काफ़ी टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, 1:31 हो रहा है, अभी 2 नहीं बजा। तो भाई समझना थोड़ा सा मेहनत, ठीक ना। इतना करोगे तो बहुत खुशी होगी। शुक्रिया।